अभी हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो इसमें देखेंगे कि आजकल जो मेडिकल साइंस है वो तो बहुत डेवलप्ड हो गया है, लेकिन पहले के लोग का मानना था कि हमारे बॉडी में दो तरह के ह्यूमर होते हैं, गुड ह्यूमर और बैड ह्यूमर। ओके, ह्यूमर क्या होता है? फ्लूइड। ओके, तो जो ज़्यादा हो जाएगा हमारे बॉडी में, जैसे मान लीजिए गुड ह्यूमर ज़्यादा हो गया तो पर्सन हेल्दी हो जाएगा, और बैड ह्यूमर ज़्यादा हो गया तो पर्सन अनहेल्दी हो जाएगा। ओके, ऐसा मानना पहले के लोगों का था। ओके, उसके बाद आए विलियम हार्वी। कौन है? विलियम हार्वी, जो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को खोज किया, डिस्कवर किया। वो बोले कि हमारे बॉडी में सिर्फ एक ही फ्लूइड है, जो कि वो है ब्लड। गुड ह्यूमर और बैड ह्यूमर नाम का कोई भी फ्लूइड हमारे बॉडी में नहीं है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं हेल्थ, हेल्थ के बारे में। यहाँ पे हेल्थ हेल्थ आया, तो हेल्थ होता क्या है? क्या आप ये सोच रहे हैं कि हेल्थ का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ डिजीज? तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है, ये पूरे पूरे सही नहीं है, ये पूरे पूरे सही नहीं है। WHO के अनुसार हेल्थ का पूरा मीनिंग होता है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल बीइंग। ओके, मतलब हेल्थ एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल बीइंग हो। ऐसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो फिजिकली फिट है, लेकिन उसका जो IQ है वो कम है, मतलब अच्छे से डेवलप्ड नहीं हुआ है। तो वो कितना भी वो फिजिकली फिट है, लेकिन वो सही से काम नहीं कर पाएगा, कोई भी चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाएगा, कोई भी चीज़ को समझने में देरी लगेगी उसको, तो अच्छे से अपना ग्रो नहीं कर पाएगा, जिससे अपना फाइनेंशियल सब अच्छे से नहीं कर पाएगा, इससे वो पूरे ग्रो नहीं कर पाएगा। इसीलिए हेल्थ का मीनिंग होता है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल बीइंग। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब हम लोग समझते हैं कि हेल्थ को कौन कौन इफेक्ट करता है। तो हेल्थ को इफेक्ट करता है तीन चीज, कौन कौन? पहला देख लीजिए, जेनेटिक डिसऑर्डर। जैसे कोई बंदा है उसका जीन ही खराब है तो उसका हेल्थ इफेक्ट करेगा। दूसरा, इन्फेक्शन, प्रोटोजोआ हो गया, वायरस हो गया और हेलमिंथ हो गया, इससे इफेक्ट करेगा हेल्थ उसका, कोई व्यक्ति हो। और लाइफस्टाइल, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे वो खाना कैसे खा रहा है, किस तरह खान पान है और रेस्ट कितना ले रहा है, बॉडी को कितना एक्सरसाइज कर रहा है, योगा कर रहा है, ये बात हेल्थ को इफेक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, आगे बढ़े। अभी हम लोग तीन टर्म्स समझेंगे, वैक्सीन, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी। इस तरह का करेंट सिनारियो है अभी कोविड का, तो आपने वैक्सीन का नाम बहुत सुना होगा। तो वैक्सीन का मतलब क्या होता है ये हमको बताइए, क्या बीमारी को ठीक करना या बीमारी को ना होने देना? तो दूसरा सही होगा, बीमारी को ना होने देना, मतलब बीमारी होने से
होने से बचाना। ओके, वैक्सीन का मतलब ये नहीं होता है कि बीमारी का ट्रीटमेंट, बीमारी वैक्सीन का मतलब होता है बीमारी होने से बचाना। ओके, अब हम लोग देखते हैं फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी। जैसे फिजियोलॉजी समझने के लिए, जैसे मान लीजिए हम लोग हार्ट का फंक्शन पढ़ते हैं, जैसे हार्ट हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, सिस्टोल करता है, डायस्टोल करता है हार्ट, ये सब नॉर्मल फंक्शन हो गया। जैसे हार्ट का नॉर्मल फंक्शन हो गया, जैसे ये हार्ट सिस्टोल करता है, डायस्टोल करता है, अपने ब्लड को भरता है, फिर खाली करता है, ये नॉर्मल फंक्शन हो गया। इसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। लेकिन जब हम बोल दिए कि मान लीजिए हार्ट में कोई कोई आर्टरी ब्लॉक हो गई, कोई आर्टरी ब्लॉक हो गया, तो इसका मतलब किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? ये पैथोलॉजी के अंदर। पैथोलॉजी का मतलब जो नॉर्मल फिजियोलॉजी नहीं चल रहा है, नॉर्मल काम नहीं चल रहा है, एबनॉर्मल हो गया है, तो उसे पढ़ते हैं पैथोलॉजी में। लेकिन जब नॉर्मल काम चल रहा है हार्ट का, जिस कोई भी चीज़ का, तो उसमें पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। लेकिन नॉर्मल से एबनॉर्मल हो गया है, जैसे ब्लॉकेज हो गया, चाहे कोई 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 ना कोई गड़बड़ हो गया सिस्टम में, तो उसको बोलते हैं, इसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग पैथोलॉजी के अंतर्गत।